प्रकृति बायोलॉजी क्लासेस रिंगवान सीतावन। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास के बारे में अगर बात करें, पिछले क्लास में हम बात कर रहे थे लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में अगर बात किया जाए तो यहाँ पर हमने बात किया था लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स में। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स का बात हमने किया था ग्रोथ के बारे में। हमने आपको बताया ग्रोथ जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ऑब्जेक्ट के साथ हो सकता है, दोनों ऑब्जेक्ट में हो सकता है, ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी ग्रोथ होता है, और साथ के साथ बात करें तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में भी ग्रोथ होता है। दोनों में ग्रोथ का पैटर्न अलग होता है। लिविंग में ग्रोथ इंटरनल होता है जबकि नॉन लिविंग का ग्रोथ एक्सटर्नल होता है। बॉडी सरफेस के ऊपर में कोई भी मटेरियल के एक्युमुलेशन से ग्रोथ होता है, यह हमने लास्ट क्लास में बात किया था। आज हम नेक्स्ट पॉइंट बात करने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन, प्रजनन। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होगा? जनन प्रजनन, अपने जैसे संतान को उत्पन्न करना। अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है तो उसे रिप्रोडक्शन के नाम से जाना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर अपने जैसे संतान को उत्पन्न कर रहा है तो उसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाएगा, जनन के नाम से जाना जाएगा। हर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टीसेलुलर हो, वो अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है ताकि उसका जनरेशन चलता रहे आगे, और अपने जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए वह अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है, और जिस प्रोसेस के द्वारा अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है उसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाता है। तो रिप्रोडक्शन का बात करें तो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर में होता है, चाहे वह लिविंग हो, वह यूनिसेलुलर हो, मल्टीसेलुलर हो, वह लेस डेवलप्ड प्लांट हो या हाईली डेवलप्ड प्लांट हो, एनिमल हो, हर ऑर्गेनिज्म अपने जैसे रिप्रोडक्शन करके अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, आपको हेडिंग लिख देते हैं हम रिप्रोडक्शन। किसका बात कर ले हम? हम बात कर लेते हैं रिप्रोडक्शन। अब देखिए, रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो रिप्रोडक्शन का मतलब हो गया जनन प्रजनन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होगा? जनन प्रजनन। किसका बात कर ले हम? रिप्रोडक्शन का बात करें। अब बताइए, रिप्रोडक्शन के हिंदी में क्या कहा जाएगा? जनन या प्रजनन के नाम से जाना जाता है। रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन है क्या? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है। कोई जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है, काहे उत्पन्न करता है? वह इसलिए उत्पन्न करता है ताकि उसका पीढ़ी दर पीढ़ी बरकरार रहे, कंटिन्यू रहे, अपने को मेंटेन करके रख सके, इसलिए कोई भी जीव रिप्रोडक्शन करता है। लेकिन रिप्रोडक्शन के बारे में कहा जाता है रिप्रोडक्शन इज ए लाइफ प्रोसेस। रिप्रोडक्शन इज ए लाइफ प्रोसेस विच इज नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जो किसी भी जीव के सर्वाइव के लिए जरूरी नहीं होता है, बट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज। लेकिन किसी जाति को सर्वाइव करने के लिए, बरकरार रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी होता है। जैसे कि बात किया जाए, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, हम एक ऑर्गेनिज्म है कि नहीं है? हम एक ऑर्गेनिज्म है, आप एक ऑर्गेनिज्म है। अगर कोई मनुष्य चाहे कि हम कभी संतान उत्पन्न ना करे, हम कभी शादी ना करे, कभी संतान उत्पन्न ना करे, बताइए क्या उसके लाइफ में कोई प्रभाव पड़ेगा? कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये नहीं होगा कि अब शादी नहीं करेगा, संतान उत्पन्न नहीं करेगा तो कम दिन में मर जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, उसके लाइफ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वही ऑर्गेनिज्म क्या करे, सब मनुष्य सोच ले कि आज से शादी ब्याह करना बंद, आज से संतान उत्पन्न करना बंद,
अगर यह सोच लिया तो समझिए कि एक समय के बाद इस धरती पर से मनुष्य जाति विलुप्त तो हो जाएगा, मनुष्य का नामो निशान खत्म हो जाएगा, मनुष्य का अस्तित्व तो इस धरती पर से खत्म हो जाएगा। हम कहेंगे एक था मनुष्य, बस यह होकर के रह जाएगा, उसका नामो निशान खत्म हो जाएगा। तो रिप्रोडक्शन बहुत ही जरूरी है, किसी भी जीव के सर्वाइव के लिए जरूरी तो नहीं है, लेकिन उसके जाति को सर्वाइव करने के लिए जरूरी है, उसके जाति को बरकरार करके रखने के लिए जरूरी है। हम एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं रिप्रोडक्शन के महत्व के बारे में। यहां पर देखिए, हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं, यहां पर हमने एक कम्युनिटी बनाया, इस कम्युनिटी में बहुत सारे जीव रह रहे हैं, ए जाति का पॉपुलेशन रह रहा है। यहां पर यहां क्या है, ए जाति का पॉपुलेशन है। ए जाति के पॉपुलेशन कहने का मतलब यह हुआ कि ए जाति के बहुत सारा जीव यहां पर रह रहा है। क्या है यहां पर, ए जाति के बहुत सारा जीव है। अब बताइए, यहां ए जाति के जब बहुत सारा जीव है, सबकम खुशहाल जिंदगी जी रहा है, संतान उत्पन्न कर रहा है, नया संतान आ रहा है, पुराना वाला मर रहा है, एकदम अच्छा खासा जिंदगी चल रहा है। एक समय की बात है, अचानक से इस कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया, और परिवर्तन क्या हुआ, इस कम्युनिटी के जीवों के अंदर से रिप्रोडक्शन करने का कैपेसिटी खत्म हो गया। इस कम्युनिटी के जीवों के अंदर में रिप्रोडक्शन करने का कैपेसिटी क्या हो गया, खत्म हो गया। माइनस एंट्री का मतलब अब्सेंट हो गया, इस कम्युनिटी के अंदर में रिप्रोडक्शन करने का कैपेसिटी खत्म हो गया। अब यह जीव जो है रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया। अब बताइए, जैसे ही यह जीव रिप्रोडक्शन करना बंद करेगा, इसके अंदर से रिप्रोडक्शन करने का कैपेसिटी खत्म हुआ। अब बताइए, एक समय के बाद धीरे 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 समय बीतेगा, जब कुछ समय बीतेगा, 100 साल 200 साल बीतेगा, बीतने के बाद धीरे 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 यह जीव सब मरना शुरू करेगा कि नहीं करेगा, मरते 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 अब यह क्या होगा, बूढ़ा होगा। अच्छा देखिए, यहां पर एक भी नया संतान उत्पन्न नहीं होगा, काहे नहीं उत्पन्न होगा, इसके अंदर से रिप्रोडक्शन करने का कैपेसिटी खत्म हो चुका है। जब रिप्रोडक्शन करने का कैपेसिटी खत्म हो गया, तो यहां पर एक भी नया संतान उत्पन्न नहीं होगा। जब रिप्रोडक्शन करने का कैपेसिटी खत्म हो गया, एक भी संतान उत्पन्न नहीं होगा। अब बताइए, जहां पर एक भी संतान अब उत्पन्न नहीं होगा, फिर तो समस्या वाली बात है, यहाँ पर एक भी नया संतान उत्पन्न नहीं होगा, धीरे धीरे समय बीतेगा, ये जो है ना बूढ़ा हो गया। बताइए, बुढ़ापा आएगा तब मृत्यु होगा कि नहीं होगा, बुढ़ापा का अंत मृत्यु होता है, कोई आदमी बूढ़ा है, बूढ़ा होगा तो एक समय बाद मर जाएगा, बुढ़ापा खत्म हो जाएगा। तो बताइए, यह मरेगा कि नहीं, मर गया, मर गया। कहा जाता है जो आया है सो जाएगा, इधर की पर जिसका भी जन्म हुआ उसका मरना तय है। तो बताइए, यह मरेगा कि नहीं मरेगा, यह भी एक समय बीता पूरा हो गया मर गया, यह भी समय बीता पूरा हो गया मर गया। धीरे 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 जैसे जैसे समय बीता, समय के बीतने के बाद इस कम्युनिटी के जो जीव है मरना प्रारंभ कर दिए, मरते 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 सब मर गया। अब कहेंगे एक था ए है नहीं, एक था ए या था धरती पर से विलुप्त तो हो चुका है, खत्म हो चुका है, यहां से ए जाति का नाम और निशान मिट गया। काहे ऐसा क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि इसके अंदर से रिप्रोडक्शन करने का कैपेसिटी खत्म हो गया, रिप्रोडक्शन करने का कैपेसिटी खत्म हो गया, इसलिए एक समय के बाद इस धरती पर से जाति विलुप्त हो गया। तो रिप्रोडक्शन बहुत ही जरूरी है, किसी भी जीव के सर्वाइव करने के लिए नहीं, बल्कि उसके जाति को सर्वाइव करने के लिए, जाति को बरकरार करके रखना है तो रिप्रोडक्शन करना जरूरी है। समझ में आया कि नहीं आया, बहुत सारे साधु संत होते कभी शादी नहीं करते जिंदगी में, जिंदगी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर सब सोच ले कि मनुष्य सब सोच ले ना, अब हम साधु बन जाएंगे, सब सोच ले कि हम जो है ना मोदी जी बन जाएंगे, शादी नहीं करेंगे। अब बताइए, शादी नहीं करिएगा तो फिर एक समय के बाद धरती पर से जो है मनुष्य जाति का नामो निशान खत्म हो जाएगा, नया संतान ही नहीं उत्पन्न होगा, नया संतान उत्पन्न नहीं होगा, धरती पर से मनुष्य जाति विलुप्त हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर बात किया रिप्रोडक्शन के महत्व के बारे में। तो रिप्रोडक्शन है क्या, रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन के बारे में अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है। तो रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन के बारे में क्या कहेंगे हम, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन क्या है,
बायोलॉजिकल प्रोसेस, रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म, बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू ऑफ स्प्रिंग, बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू इट्सेल्फ, सिमिलर टू इट्सेल्फ टू मेंटेन कंटिन्यूटी, टू मेंटेन कंटिन्यूटी जनरेशन आफ्टर जनरेशन, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है। काहे उत्पन्न करता है? ताकि उसका जनरेशन मेंटेन रहे, जनरेशन को मेंटेन करके रखेगा, अपने से संतान को उत्पन्न करेगा ताकि उसका पीढ़ी दर पीढ़ी बरकरार रहे। अब देखिए थोड़ा सा हिंदी सबका बात करें, रिप्रोडक्शन के जनन प्रजनन, बायोलॉजिकल का मतलब जीव विज्ञानी है या जैवीय प्रक्रम, प्रोसेस मतलब प्रक्रम, बाय विच मतलब के द्वारा, एंड ऑर्गेनिज्म कोई जीव गिव्स राइज टू मतलब उत्पन्न करता है, ऑफस्प्रिंग मतलब संतान, ऑफस्प्रिंग का मतलब संतति, संतान, सिमिलर मतलब समान, टू इटसेल्फ मतलब स्वयं के समान, मेंटेन मतलब बरकरार रखना, कंटिन्यूटी के मतलब निरंतरता, जेनरेशन मतलब पीढ़ी, आफ्टर जेनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी, एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन के बीच में कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखता है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन के नाम से जाना जाएगा। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो किसी भी जीव के द्वारा अपने संतान को उत्पन्न करता है, अपने संतान को उत्पन्न करेगा और तब कंटिन्यूटी को मेंटेन करके रखेगा। इसका हिंदी क्या लिखेंगे? हिंदी सभी लोग लिख लीजिएगा, जनन एक जीव विज्ञानीय प्रक्रम है, जनन एक जीव विज्ञानीय प्रक्रम है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है, जिसके द्वारा कोई जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी बरकरार रहे, ताकि उसका पीढ़ी दर पीढ़ी बरकरार रहे। आगे समझ में? एक बार फिर से मिला लीजिए, जनन एक जैव विज्ञानीय प्रक्रम है जिसके द्वारा कोई जीव अपने जैसे संतान को उत्पन्न करता है ताकि उसका पीढ़ी दर पीढ़ी बरकरार रहे। ठीक, अब देखिए यह जो रिप्रोडक्शन है यह यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों में होता है। रिप्रोडक्शन कहां होगा? यूनिसेलुलर में होगा, मल्टी सेलुलर में होगा। इस धरती पर जितने भी जीव है सब में रिप्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा? तो रिप्रोडक्शन क्या है कि सभी जीवों में पाया जाता है, रिप्रोडक्शन जो है सभी जीवों में पाया जाता है। तो क्या रिप्रोडक्शन के बारे में हम कहते हैं कि रिप्रोडक्शन सजीवों का लक्षण है? बिल्कुल सही बात है। बताइए क्या रिप्रोडक्शन को सजीवों को डिफाइन करने वाला प्रॉपर्टी कह सकते हैं, सजीवों को परिभाषित करने वाला लक्षण कहा जा सकता है? तो इस पर आपको पता होना चाहिए कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टी किसे कहा जाता है। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी उसे कहा जाएगा जिसका कोई एक्सेप्शन नहीं होगा, कोई अपवाद नहीं होगा। बताइए यहां पर अपवाद का ही अपवाद है, बताइए ना। रिप्रोडक्शन जो है सजीव में होता है, बिल्कुल सही बात है। कोई निर्जीव रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, कोई निर्जीव कभी अपने जैसे संतान को उत्पन्न नहीं कर पाएगा। अगर ऐसा होता तो एगो बाइक खरीद करके लाते, उसे पांच गो सात गो बाइक उत्पन्न हो जाता, जिंदगी में कई नया बाइक खरीदने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ऐसा कभी होता नहीं है, निर्जीवों में कभी रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सजीव रिप्रोडक्शन करता है। बिल्कुल सही बात है। क्या प्रत्येक सजीव रिप्रोडक्शन करते हैं? नहीं, प्रत्येक सजीवों में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। कुछ ऐसे भी सजीव होते हैं जहां पर कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं होता है, जैसे कि बात किया जाए मनुष्य,
कुछ कपल ऐसे होते हैं, कुछ पति पत्नी ऐसे होते हैं, शादी के बहुत सारे साल बीत जाते हैं फिर भी उनका कोई संतान उत्पन्न नहीं होता है। मतलब कि वहां पर लिविंग होने के बावजूद भी रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। म्यूल का बात कर ले हम, खच्चर के बारे में बात कर ले, वहां भी रिप्रोडक्शन उत्पन्न मतलब रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है। वर्कर हनीबी का बात कर ले, यह भी रिप्रोडक्शन नहीं करता है। बहुत सारा यहाँ पे एक्सेप्शन देख लिया आप, जो लिविंग होने के बावजूद भी रिप्रोडक्शन नहीं करता है। इसलिए हम यह नहीं कर सकते हैं कि जिस जीव के अंदर में रिप्रोडक्शन होगा वह लिविंग, और रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो नॉन लिविंग। यह कहना बिल्कुल गलत है, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन हो रहा है तो हर हाल में जीवित होगा ही होगा, नहीं कर रहा है तो लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। तो रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, वह सजीवों के विशेष लक्षण है, परंतु सजीवों के परिभाषित करने वाला लक्षण नहीं होता है। रिप्रोडक्शन का बात किया हमने, रिप्रोडक्शन जो है सजीवों को परिभाषित करने वाला लक्षण नहीं होता है। तो बताइए यूनिसेलुलर के साथ साथ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है कि नहीं करता है? तो हम कहेंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्टिवेट रिप्रोडक्शन, सभी सजीव जीव रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन को प्रदर्शित करता है। तो लिख दे, चलिए लिख लीजिए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट्स रिप्रोडक्शन। मतलब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट मतलब प्रदर्शित करना रिप्रोडक्शन, सभी सजीव जीव रिप्रोडक्शन जनन को प्रदर्शित करता है। सभी सजीव जीवों में जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। सभी सजीव जीवों के अंदर में जनन की प्रक्रिया संपन्न होगी कि नहीं होगी? सभी सजीव जीवों में रिप्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा? सभी सजीवों के अंदर में रिप्रोडक्शन होता है। इसके बाद बात करें नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट्स रिप्रोडक्शन। निर्जीव वस्तुओं में रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसका हिंदी लिखेंगे निर्जीव वस्तुओं में रिप्रोडक्शन नहीं होता है, और इसका हिंदी लिखेंगे सभी सजीव जीवों में रिप्रोडक्शन होता है। बिल्कुल सही बात है, वो रिप्रोडक्शन करता है, रिप्रोडक्शन को प्रदर्शित करता है। सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, एस्टराइल हनीबी, म्यूल, एटीसी डू नॉट रिप्रोड्यूस थ्रू आउट द ईयर, या थ्रू आउट द लाइफ, पूरे जीवन काल में कभी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, जबकि यह लिविंग है कि नहीं है? बट दीज ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग, परंतु यह जीव कैसे हैं? लिविंग है कि नहीं है बताइए? यह जीव लिविंग होने के बावजूद भी रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं, तो यहां पर कह देंगे कि इसमें रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, सजीव होने के बावजूद भी यहां पर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। तो चलिए लिख लीजिएगा, क्या लिखना है आपको लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर बात करें कि जो निर्जीव वस्तु है उसमें कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं होता है, सजीव वस्तुओं में रिप्रोडक्शन होता है। और उसके बाद हम अगला पॉइंट बात करते हैं तो कहता है कि सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, सच एज इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, सच एज इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, इनफर्टाइल मनुष्य युग्म, मनुष्य युग्म जोड़ा। इसके बाद कहेंगे हनीबी, वर्कर हनीबी। इसके बाद कहेंगे म्यूल, एटीसी डू नॉट रिप्रोड्यूस, डू नॉट रिप्रोड्यूस थ्रू आउट द लाइफ, थ्रू आउट द लाइफ, बट
दीज ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग, परंतु यह जो जीव है कैसे हैं, सजीव है कि नहीं है। देखिए यह जो ऑर्गेनिज्म है यह सजीव होने के बावजूद भी इसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है। सम लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ सजीव जीवों जैसे कि इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, अनुर्वरक जिसमें संतान उत्पन्न करने का कैपेसिटी नहीं होता है, वर्कर हनी भी, कामगार मधुमक्खी, इनफर्टाइल मतलब अनुर्वरक मनुष्य युग्म, वर्कर हनी भी, कामगार मधुमक्खी, कामगार मधुमक्खी, म्यूल, खच्चर डू नॉट रिप्रोड्यूस थ्रू आउट द लाइफ, पूरे जीवन काल में कभी रिप्रोडक्शन नहीं करता है। बट दीज ऑर्गेनिजम्स आर लिविंग, परंतु यह जीव कैसे हैं, सजीव होते हैं, परंतु यह कैसा है, सजीव है। चलिए इसका हिंदी लिख लीजिएगा, लिख लीजिए कुछ सजीव जीव जैसे कि अनुर्वरक मनुष्य युग्म, अनुर्वरक मनुष्य युग्म मतलब पति पत्नी, अनुर्वरक मनुष्य युग्म कौमा कामगार मधुमक्खी कौमा खच्चर, पूरे जीवन काल में जनन नहीं करते हैं, पूरे जीवन काल में जनन नहीं करते हैं, परंतु पूरे जीवन काल में जनन नहीं करते हैं, परंतु ये जीव सजीव होते हैं, परंतु ये जीव कैसे होते हैं, सजीव होते हैं कि नहीं होते हैं, लिख लीजिए। अब इसके बाद हम थोड़ा सा बात कर ले कि देखिए रिप्रोडक्शन जो है सजीवों के तो विशेष लक्षण है ही, सजीवों को परिभाषित नहीं करता है क्योंकि इसका एक्सेप्शन आ चुका है, तो हम कहेंगे कि रिप्रोडक्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बट नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आगे समझ में, तो चलिए लिख देते हैं हम, रिप्रोडक्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बट नॉट डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन मतलब जनन होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेष, फीचर मतलब लक्षण या गुण ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सजीव जीवों का, बट नॉट परंतु नहीं होता, डिफाइनिंग मतलब परिभाषित करने वाला, फीचर मतलब गुण या लक्षण लिविंग ऑर्गेनिज्म का, परंतु सजीव जीवों को परिभाषित करने वाला लक्षण नहीं होता है। रिप्रोडक्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन क्या है, सजीव जीवों के विशेष लक्षण होता है, परंतु सजीव जीवों के परिभाषित करने वाले लक्षण नहीं होते हैं। आगे समझ में, हिंदी लिख लीजिएगा, जनन सजीव जीवों के विशेष लक्षण होते हैं, परंतु सजीव जीवों को परिभाषित करने वाले लक्षण नहीं होते हैं, परंतु सजीव जीवों को परिभाषित करने वाले लक्षण नहीं होते हैं।
देखिए यहां पर हमने रिप्रोडक्शन के बारे में छोटा मोटा जानकारी प्राप्त किया, छोटी मोटी बातें हमने की। अब इस चैप्टर रिप्रोडक्शन हम जब 12 में पढ़ेंगे, पूरे चार चैप्टर हमको रिप्रोडक्शन का पढ़ना होता है। बहुत डिटेल से वहां पर बात करेंगे, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा वहां पर इवेंट्स होता है, सारा का सारा डिटेल हम बात करेंगे 12 के क्लास में। और आप चाहें अगर रिप्रोडक्शन का वीडियो देखना चाहते हैं तो 12 का जो वीडियो है उस वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। आपको रिप्रोडक्शन के बारे में वहां पर पूरे डिटेल से समझाया गया हुआ है, तो वहां पर जाकर के आप रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां पर हमने किसके बारे में बात कर लिया, रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया। बताइए यह जो रिप्रोडक्शन होता है कहां पर होता है, सजीवों के अंदर में होगा। क्या कभी निर्जीवों के अंदर में रिप्रोडक्शन होगा, तो कभी भी निर्जीवों के अंदर में रिप्रोडक्शन नहीं होता है। रिप्रोडक्शन केवल और केवल सजीव जीवों के अंदर में होता है। क्या यह बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर हमने बात किया रिप्रोडक्शन के बारे में, हमने किसके बारे में बात कर लिया, रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर लिया। अब इसके बाद हमको बात करना, रिप्रोडक्शन के बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करें मेटाबॉलिज्म। अब बताइए मेटाबॉलिज्म के बारे में अगर बात करें तो मेटाबॉलिज्म है क्या? मेटाबॉलिज्म का मतलब होगा उपापचय। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है उपापचय। उपापचय का मतलब क्या होता है कि ऑल द केमिकल रिएक्शन या तो सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन विच अकर इनसाइड आवर बॉडी, हमारे शरीर के अंदर में होने वाले सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के योग को उपापचय कहा जाता है। उपापचय होगा क्या? मेटाबॉलिज्म का बात कर ले हम, किसका बात कर लेते हैं, मेटाबॉलिज्म का बात हम कर लेते हैं। चलिए मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के हिंदी में कहा जाएगा उपापचय। अब उपापचय का मतलब क्या होगा, द सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन, द सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन, द सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन, द सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन विच अकर्स, विच अकर्स इनसाइड आवर बॉडी, विच अकर्स इनसाइड आवर बॉडी आर नोन एज, आर नोन एज मेटाबॉलिज्म, आर नोन एज मेटाबॉलिज्म। द सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन, द सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन, सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का योग, सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का योग जो हमारे शरीर के अंदर में होता है। द सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन, सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का योग विच अकर्स इनसाइड आवर बॉडी, जो हमारे शरीर के अंदर में होता है उसे उपापचय कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उपापचय कहते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर में, इसका लिख लीजिए हिंदी में, हमारे शरीर के अंदर में होने वाले सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का योग, हमारे शरीर के अंदर में होने वाले सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के योग को उपापचय कहते हैं। क्या कहा जाता है? उपापचय के नाम से जाना जाता है। हमारे शरीर के अंदर में होने वाले सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के योग को उपापचय कहते हैं। अब देखिए यह जो मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर में भोजन का पाचन होता है, यहां पर भी केमिकल रिएक्शन चलता है। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जाता है, वह ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, वहां भी केमिकल रिएक्शन चलता है। ब्लड से वह हमारे सेल के पास जाता है, वहां भी केमिकल रिएक्शन होता है। सेल में जाने के बाद जो ग्लूकोज आया होता है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, वह भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, रेस्पिरेशन कहा जाएगा। मतलब हमारे शरीर के अंदर में बहुत प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया होता है, जिसके कारण हम लोग जीवित अवस्था में बरकरार रहते हैं। सबको एक साथ मिलाकर के उपापचय कहा जाता है। हमारे शरीर के अंदर में होने वाले सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का योग उपापचय कहलाता है। क्या कहलाएगा? उपापचय।
उपापचय के नाम से जाना जाएगा। अब बात करते उपापचय के बारे में, बताइए यह जो उपापचय होगा यह कहां पर होगा, यह जो है सजीवों में होगा कि निर्जीवों में होगा कि दोनों में होगा, या केवल और केवल सजीवों में होगा? नहीं, दोनों में कभी नहीं होगा उपापचय। उपापचय केवल सजीवों में होगा, कभी निर्जीवों में नहीं होगा। बताइए डेक्स बेंच है क्या कभी भोजन मांगता है, क्या इसमें भोजन का पाचन होता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो हम बात के उपापचय सजीवों में होता है, निर्जीवों में नहीं होता है। तो बात कर ले ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम यूनिसेलुलर टू मल्टी सेलुलर एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी सजीव जीव एक कोशिकीय से लेकर बहुकोशिकीय तक सबके अंदर में मेटाबॉलिज्म होता है, उपापचय होता है। सभी सजीव जीव एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, सबके अंदर में क्या होगा, उपापचय होगा कि नहीं होगा। इसका हिंदी लिखेगा सभी एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय जीव में उपापचय होता है, या फिर कहेंगे सभी सजीव जीव एक कोशिकीय जीव से लेकर बहुकोशिकीय जीवों में उपापचय होता है, या लिखिए ज्यादा सही रहेगा। सभी सजीव जीव एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय जीवों में उपापचय होता है। उपापचय का कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई अपवाद नहीं होता है। विदाउट एक्सेप्शन, बिना एक्सेप्शन के मेटाबॉलिज्म सजीवों के लक्षण है। बताइए एक्सेप्शन जब है नहीं, इसका डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी तो होगा, होगा कि नहीं होगा? उससे पहले अगर बात कर ले तो बताइए मेटाबॉलिज्म नॉन लिविंग में होगा, तो कहेंगे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। मतलब कि निर्जीव वस्तुओं में उपापचय नहीं होता है, या निर्जीव वस्तु उपापचय प्रदर्शित नहीं करता है, निर्जीव वस्तु उपापचय प्रदर्शित नहीं करता है। अगला बात करें विदाउट एक्सेप्शन मेटाबॉलिज्म इज ए characteristics feature as well as defining feature of living organisms। बिना अपवाद के उपापचय, बिना अपवाद के उपापचय सजीव जीवों के विशेष लक्षण होता है, सजीव जीवों के विशेष लक्षण होता है। साथ ही साथ सजीव जीवों को परिभाषित करने वाला लक्षण होता है, सजीव जीवों को परिभाषित करने वाला लक्षण होता है। बिना अपवाद के उपापचय सजीव जीवों के विशेष लक्षण होता है, साथ ही साथ सजीव जीवों को परिभाषित करने वाला लक्षण होता है। तो यह हमने बात कर लिया किसके बारे में, मेटाबॉलिज्म के बारे में बात किया, उपापचय के बारे में बात किया। तो देखिए हमने आज किसके बारे में बात कर लिया, तो हमने रिप्रोडक्शन और मेटाबॉलिज्म का बात किया। रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बताया गया कि रिप्रोडक्शन जो होता है वह सजीव जीवों के लक्षण है, लेकिन सजीव जीवों को परिभाषित नहीं करता है। लेकिन मेटाबॉलिज्म जो है सजीव के लक्षण होने के साथ साथ सजीव जीवों को परिभाषित भी
करता है। तो यह हमने बात कर लिया अभी तक कितना प्रॉपर्टी, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात किया, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म। इससे आगे हमको बात करना है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शसनेस के बारे में, उसको नेक्स्ट क्लास में हम आप डिस्कस करेंगे। इसको जाकर के अच्छे से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर हम बात करेंगे अगला क्लास में। आप लोग जो है अच्छे से वीडियो देखते रहें, अपने दोस्तों को भी कहें कि वीडियो देखते रहें, और इसके बाद जो है आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल को थोड़ा सा प्रमोट कर दीजिएगा। अब आप भी पढ़ें और अपने दोस्तों सबको भी पढ़ने दें, अपने भाई बहन सबको भी पढ़ने के लिए कहें और पढ़ते रहें। चलिए इससे आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट।